भाइयों, मैं एक अधिवक्ता होने के साथ साथ किसान भी हूँ, और इसलिए किसान और सरकार दोनों की मंशा को भलीभांति समझता भी हूँ। मित्रों, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार जिस तरीके से किसानों के ऊपर पराली जलाने को लेकर दबाव बना करके उस पर मुकदमे लाद रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, क्या ये कार्रवाई केवल किसानों के लिए ही है? क्या फैक्ट्रियां जो लगी हुई हैं लोगों की, राइस मिलर लोगों की, चीनी मिलों की, छोटे छोटे उद्योगों की, उनमें क्या धुआं नहीं निकलता है? उससे क्या पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है? उन पर आप रोक लगवाइए, क्या वो उनके मानक के अनुसार उन पर उतने संयंत्र लगे हैं जो कि वातावरण प्रदूषित नहीं हो रहा है? किसान केवल 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, इतने दिन में पराली जलाता है और उस पराली से उठे हुए धुएं से बस उस पर FIR करा दी जाती है, और जो फैक्ट्रियां 12 महीने चलती हैं उनके ऊपर, जो उद्योग 12 महीने चलते हैं उनके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। नियम कानून सब केवल किसान के लिए ही बने हैं, इसलिए मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि सरकार इस तरीके के किसानों के प्रति कार्रवाई अगर करेगी तो किसान जो हैं वो वैसे भी बहुत आहत हैं, क्योंकि जिला पीलीभीत में तो किसान एक तो सूखे की मार को झेल चुका है, जिससे किसान वैसे ही आहत है। दूसरे किसान का जो धान है वो भी धान, उसका जो समर्थन मूल्य है वो भी सरकार हमें नहीं दिला पाई। लाइन ऑफ ऑर्डर समर्थन मूल्य दिलाने में कहीं पर नहीं लागू होता है, ना ही कोई SDM कम दामों पे धान खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, ना ही कोई DM कार्रवाई करता है। किसान औने पौने दामों पर बराबर लूट रहा है, उसके बावजूद भी किसान इन स्थितियों को झेलता है, और जब किसान अपने खेत में अगली गेहूं की रबी की फसल बोने के लिए पैरा की जो फुंची है उसको जलाने के लिए अगर जलाता है तो उस पर उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए सरकार जिलाधिकारी के माध्यम से, SDM दियाब के माध्यम से, थाना अध्यक्षों पर और लेखपालों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है कि अगर आप लोगों ने अपने क्षेत्र में पराली जलाने से नहीं रोका तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह तो सच है कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या पर्यावरण केवल अकेले किसान ही 8-10 दिन में प्रदूषित कर देते हैं? ये फैक्ट्रियां, ये उद्योग, ये सब नहीं है क्या? तो हमारा कहना यह है कि जो शक्ति हम लोगों के ऊपर, किसानों के ऊपर, हमारे किसान भाइयों के ऊपर की जा रही है, वह शक्ति इतनी नहीं होनी चाहिए। हाँ, उस शक्ति के साथ साथ में सरकार हमारी पराली को खरीदने के लिए ऐसे संयंत्र लगाए जिससे सरकार का भी फायदा हो, लेकिन जब तक नहीं सरकार व्यवस्था कर पा रही है इसकी, तब तक किसान के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर उसे दंडित करना, एक कतई न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत है। सरकार को इस बात की सद्बुद्धि आनी चाहिए कि किसानों पर इतना अत्याचार नहीं होना चाहिए। लाइन ऑफ ऑर्डर केवल किसानों के लिए ही नहीं है, लाइन ऑफ ऑर्डर अगर है तो सबके लिए है।